नमस्कार बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम तपस्वी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जयंती के लिए शानदार हिंदी भाषण देखेंगे। यह भाषण बहुत ही सुंदर और लेटेस्ट है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, मेरे प्यारे अध्यापक तथा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सत्रहवीं शताब्दी पच्चीस में था चमका एक सितारा, धन्य हो गया होलकर वंश, धन्य हुई थी महाराष्ट्र की धरा। भारत में जिन महिलाओं का जीवन आदर्श, वीरता, त्याग तथा देशभक्ति के लिए सदा याद किया जाता है, उनमें रानी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रमुख है। उनका जन्म 31 मई 1725 को ग्राम चौंडी, अहमदनगर, महाराष्ट्र में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री मनकोजी राव शिंदे परम शिव भक्त थे, अतः यही संस्कार बालिका अहिल्या पर भी पड़े। अहिल्या जब 8 वर्ष की थी तब उसका विवाह राजा मल्हार राव होलकर के बेटे राजकुंवर खंडे राव से किया गया। 1754 में उनके पति खंडे राव एक युद्ध में मारे गए और 1767 में उनके ससुर मल्हार राव का भी देहांत हो गया। इस संकट काल में रानी ने तपस्वी की भांति श्वेत वस्त्र धारण कर राजकाज चलाया। रानी के जीवन का लक्ष्य राज्य भोग नहीं था, वे प्रजा को अपनी संतान समझती थी। वे घोड़े पर सवार होकर स्वयं जनता से मिलती थी। उन्होंने जीवन का प्रत्येक क्षण राज्य और धर्म के उत्थान में लगाया। धर्म प्रेमी होने के कारण रानी ने अपने राज्य के साथ साथ देश के अन्य तीर्थों में भी मंदिर, कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई। काशी का वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में उन्होंने ही बनवाया था। उनके राज्य में कला, संस्कृति, शिक्षा, व्यापार, कृषि आदि सभी क्षेत्रों का विकास हुआ। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। सही मायने में उनका जीवन धैर्य, साहस, सेवा, त्याग और कर्तव्य पालन का प्रेरक उदाहरण है। मैं महारानी अहिल्याबाई होलकर को शत-शत प्रणाम करती हूँ और मेरा भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल बाल मित्र जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।